नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मोटिव हिंदी में। ये है डुकाडी की मल्टी स्टार्टर V4S और इस पे हम आप देखने वाले हैं कि कितना माइलेज मिलता है हमको। यस, इसे मिलता है आपको एक 1260 सीसी का V4 इंजन और करीब करीब 22 लीटर की फ्यूल टैंक। तो देखते हैं कि ये मोटरसाइकिल हमें कितना माइलेज देती है। हाँ शुरू करने से पहले मोटिव हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर इसके हम मोड्स देखें तो इसमें आपको चार मोड्स मिलते हैं, अर्बन, स्पोर्ट, टूरिंग और एंड्यूरो। हम टूरिंग में चलाएंगे क्योंकि इंजन सबसे हाई चलता है, यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन होगा और बाकी सब एकदम परफेक्ट सेटिंग पे है। तो टूरिंग पे है एंड सेट हो गया। अब ये लाइट जो आपने देखी, ये इसलिए है क्योंकि ब्लाइंड डिटेक्शन मॉनिटर है पीछे। ये वाला गाड़ी जब उन्हें ओवरटेक करा था तो ये बता रहा था कि ओवरटेक करने आ रहा है। चलिए हम पहले फुल टैंक करते हैं एंड देन बाद में देखेंगे कि जीरो। हाँ 21-22 लीटर, लेकिन मेरा ऑलरेडी है 3-4 लीटर ही जाएगा ये। हाँ सुपर। अब हमने तो भर दिया फ्यूल, ट्रिप करेंगे रीसेट। यस, ट्रिप हो गया रीसेट। रेंज 360 की दिखा रहा है जो काफ़ी सही है एंड किलोमीटर्स है 5881 किलोमीटर्स पे। देखते अब ऑफिस तक पहुंचेंगे, करीब 20-25 किलोमीटर ही चलेगी, लेकिन देखेंगे कि कितना माइलेज मिलता है हमें। एंड ये हेडलाइट का बटन, हेडलाइट्स आर ऑन। सुपर। अब देखें तो सुबह के 6:50 हो रहे हैं, मतलब अंधेरा है काफ़ी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है और एक ऐसा कंडीशन ही रहने वाला है जब पब्लिक इसको टूर पे लेके जाएंगे या एक डिस्टेंस पे लेके जाएंगे, तो वो सिमिलर कंडीशन रहेगा, डिसेंट ट्रैफिक मूवमेंट रहेगा, थोड़ा बहुत ब्रेकिंग भी होगा। तो इस पे एक एक्चुअल फिगर माइलेज पता चल जाएगा कि ये मोटरसाइकिल 1260 सीसी इंजन के साथ कितना आपको प्रॉपरली देती है। अब देखने जाएं तो मीटर पे भी दिखाता है कि 11.7 का फिलहाल मिल रहा है हमें, बट क्या उसे भरोसा कर सकते हैं या नहीं, चले देखते हैं। हाँ आप नंबर देख के बोल रहे हो 11.7, हाँ सिर्फ 11 का माइलेज दे रही है फिलहाल। अब एक चीज़ बिल्कुल है कि ये मोटरसाइकिल 110 की स्पीड पे क्रूज करने के लिए प्यार से चलती है, इसके लिए ये स्पीड कुछ भी नहीं है, एकदम आराम से क्रूज कर रही है। और एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि मैं स्पीडिंग कर रहा हूँ लेकिन मैं बहुत प्यार से चला रहा हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट में ये परेशान मत कीजिए कि मैं बहुत रैश चला रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ सबसे सेफ्टी में चलाऊँ, बट हाँ थोड़ा सा स्पीड लिमिट जो हमारे यहाँ पे 80 है उससे थोड़ा सा ऊपर चला रहा हूँ। लेकिन आप देखें नॉर्मली भी काफ़ी लोग 100 पे चला लेते हैं, तो मैं उसी के करीब रह रहा हूँ, भगा भी नहीं रहा हूँ आराम से भी, मतलब समझ सकते हो आप। तो इसमें आपको मिलता है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या करता है कि क्रूज कंट्रोल सेट कर देता है, मैंने सेट कर दिया और आगे गाड़ी देख रहा है तो खुद से ब्रेक कर रहा है। 71 पे सेट है, लेकिन आगे की गाड़ी, देखो मैं गियर चेंज करता हूँ, हाँ आगे की गाड़ी 56 पे चल रही है तो उसी हिसाब से चलते रहेगा। 71 पे सेट है लेकिन आगे की गाड़ी जो डिस्टेंस पे रहेगी वो उसी पे सेट चलते रहने वाला है। एंड ये है इसका एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। मुझे बंद करना है, बस ऑफ करना है एंड चलेंगे आगे। वापस सेट करते हैं 89 पे और आप देखेंगे मैंने थ्रॉटल तो छोड़ दिया है लेकिन आगे एक है, सो ट्रक है एंड ये ऑटोमेटिकली 60 पे आ गया। तो रेडार सिस्टम बहुत सही काम करता है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल का। आपको ये सेम एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल XUV में भी मिलती है और यहाँ भी दी गई है। फिफ्टी मैंने सेट किया लेकिन ये चल रहा है 45 पे। हाँ
देख सकते हो आप 35 की स्पीड है आगे, यहाँ पे चल रहा है 56 की सेट है 35, जो आगे वाले की स्पीड है वो मैच करता चढ़ता चलेगा। ऐसे हम सर के रास्ते से, आगे कुछ नहीं दिख रहा है, ये अपने आप पेस पिकअप कर लेगा। क्या सही चीज है यार ये। अब आपको और एक चीज मिलती है ये मोटरसाइकिल में, वो है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सस्पेंशन। बेसिकली ये डैम्पिंग और ये जो रहता है, मतलब सस्पेंशन का जो स्टिफनेस रहता है वो खुद से एडजस्ट करते हैं करीब करीब राइडर बैठने पे, किस पे। आप देख रहे हो यहाँ पे एक हेलमेट का साइन है, सस्पेंशन दबाना है। एंड आप देख सकते हो बाकी सारे डिटेल्स भी मिलते हैं यहाँ पे। तो मैं टॉगल से स्विच करूँ राइडर, ये ऑटो लेवलिंग मैंने ऑटोमेटिक पे सेट कर दिया, तो वो अपने हिसाब से वजन डिटेक्ट करेगा और अपने हिसाब से सेट करेगा। अदरवाइज अगर हम इसे चेंज करें तो हम इसे राइडर प्लस लगेज पे सेट कर देते हैं तो वैसा सेट रहेगा। सो काफ़ी एडवांस है इसमें सस्पेंशन भी, हम बहुत अच्छी चीज़ है। और हॉर्न भी अच्छा है इसका, काफ़ी लाउड है। चलो मुझे तो सेटिंग इसकी ऑटो में ही पसंद है ज़्यादा। क्रूज कंट्रोल को और एक बार ट्राई कर लेते हैं, हमने 119 पे सेट कर लिया है। आगे नैनो चल रही है स्लो, और ये बाइक ने खुद से ब्रेक कर लिया है भाई, 80 पे खुद से लेके आई है। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल बहुत सही काम करता है। ऑफ चलते, अभी आप देख रहे हो कि मैंने अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल के सेटिंग में आ चुका हूँ, तो ये भी देख सकता है कि आपको नज़दीक चाहिए, दूर चाहिए, बहुत दूर चाहिए या बहुत बहुत ज़्यादा दूर चाहिए। तो बेसिकली ये भी आप सेट कर सकते हो कि वो उसके हिसाब से उतना सेट करेगा। मैंने फिलहाल नियर पे रखा था, आप थोड़ा हम फार पे रखते हैं एंड फिर मैं वापस थोड़ा जैसी ट्रैफिक क्लियर हो जाए क्रूज कंट्रोल को लगा देता हूँ। आप देख सकते हो कि माइलेज टेस्ट के बीच में मुझे ट्रैफिक लग रही है, स्टॉप गो काइंड ऑफ ट्रैफिक नहीं है लेकिन स्लो कर देने वाली ट्रैफिक बिल्कुल है। इसमें मेरा ब्रेकिंग और ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। पे मैंने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया है, ये ट्रक के पीछे आ जाऊंगा मैं। एंड डिस्टेंस देखिए थोड़ा ज़्यादा है और खुद से ब्रेकिंग कर रहा है। जैसे मैं लेन से निकला अपने आप वो स्पीड पिकअप कर लेगा। बढ़ाऊं स्पीड तो बढ़ भी रही है और ये ऐसे चलते रहेगा। ये भी सिग्नल बंद है भाई, अब एक चीज तो बिल्कुल है कि ये मोटरसाइकिल ने 25 किलोमीटर कंप्लीट कर ली है ऑलमोस्ट 24.7, तो मुझे एक्चुअल अंदाजा आ जाएगा जैसे मैं वापस फुल टैंक कर लूंगा। फुल टैंक टू फुल टैंक ही करते हैं सबसे बेस्ट रहता है। आप अंदाज़ा लीजिए अब कितना माइलेज मिला रहेगा, क्योंकि हाँ मुझे फेयरली खाली जगह मिली थी ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाने के लिए, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिली थी, तो यस आप कह सकते हो कि मुझे अच्छा माइलेज मिला रहेगा। लेकिन अब तक कमेंट कर दीजिए कितना माइलेज मिला रहेगा और उसके बाद मैं इसे चेक करता हूँ। 16.6 अब तक का सबसे बेस्ट माइलेज निकला है ये मोटरसाइकिल में, 16.6, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल रिव्यूज़ में भी देखा है उसे 13-14 के ऊपर नहीं मिला ये मोटरसाइकिल को। अब मैं बहुत प्यार से चलाया हूँ ये मोटरसाइकिल को, कांस्टेंट रहा है थ्रॉटल मेरा। लेकिन चेक करते हैं अब फुल टैंक करने पे कितना मिलेगा हमें।
एक लीटर के आसपास ही जाएगा, लेकिन फुल कर दो। जीरो, हाँ ओके। बस बस करो। एंड सही। हो गया 1.4। और एक चीज़ ज़रूर है कि ये मोटरसाइकिल में यहाँ पे है ना फ़ोन डालने का पॉकेट दिया गया है। फ़ोन तो बैठता है नहीं, जाता ही नहीं अंदर, कितना भी कोशिश कर लूँ अटक ही जाता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि अगर आपका छोटा छोटा फ़ोन हो तो यहाँ पे अंदर डाल के आप यहाँ पे कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। वेल, डिज़ाइन तो सही है लेकिन साइज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। तो हमें लगा है 155 का पेट्रोल, विच इज़ क्लोज टू 1.4 समथिंग लीटर्स। इसका डेटा देखेंगे हम, 5907 किलोमीटर्स, 5907, 5881। किलोमीटर्स मतलब 25.3 एग्जैक्टली, अगर ट्रिप पे देखें तो 26 का राउंड ऑफ पकड़ते हैं। इसमें लगा है 1.41 लीटर्स, इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 1.41, मतलब हमें 18.4 का माइलेज मिला। अगर 25.3 पकड़े तो 17.9, मतलब इसका माइलेज बहुत ही अच्छा मिला है। ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिला है ये मोटरसाइकिल से, जो बहुत ही सही है। इसके मीटर पे आप देखिए तो 16.5, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होगा इसके हिसाब से। अब है फुल टैंक टू फुल टैंक भरने में, और इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कभी पेट्रोल स्पिल हो जाता है, कभी एग्जैक्ट लेवल नहीं आता है क्योंकि इसका माउथ बहुत ही छोटा है। तो वो सबको कंसिडर करते हुए 16.5 देखें या 17.9 देखें, ये नंबर ये मोटरसाइकिल के लिए परफेक्ट है। तो आप टूरिंग पे लेके जाएंगे तो आपको आराम से ये माइलेज मिल जाएगा। अगर आप सिटी में चलाएंगे तो ऑब्वियसली ड्रॉप होगा, क्योंकि कल मुझे सिर्फ 11 का माइलेज मिल रहा था जब मैं सिटी में चला रहा था। तो उस हिसाब से देखें तो ये मोटरसाइकिल सिटी के लिए नहीं, परफेक्ट है टूरिंग के लिए। शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, ये क्विक वीडियो था। अगर आपने पूरा देखा तो बहुत सही है, पूरा नहीं देखा तो आपने डायरेक्ट स्किप किया है एंड तक, क्योंकि मैंने वो पिन कमेंट में डाला था, तो उसके लिए भी नो प्रॉब्लम। आपको एग्जैक्ट डेटा चाहिए वो मैं ट्राई करूँगा हमेशा देने के लिए। शुक्रिया, बाय बाय। चलिए अब थोड़ा सा ऑफ रोड चलते हैं और मैं मोड चेंज करता हूँ एंड्यूरो पे। हो गया एंड्यूरो मोड सेट। भाई ये ऑलमोस्ट 250 किलो की गाड़ी है और ऑफ रोड ऐसा प्यार से ले रही है, थोड़ा अजीब लगता है ज़रूर। हाँ तो लॉक करना है तो इसे लॉन्ग प्रेस करना है यहाँ पे, एंड ये लॉक हो गया। थोड़ा टाइम लेता है बट ठीक है।